तुम एक 10,000 पकड़ो, तुम भी एक 10,000 पकड़ो, ठीक है। तुम दोनों के पास बस आधा घंटा है, पूरा खर्च करना है तो खर्च कर लो, बस ये कि आधे घंटे के बाद जो भी सबसे कम पैसा खर्च किया होगा इसने भी वो पूरे चीजें रख सकता है, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बस बिल्कुल खर्च ना करो तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम दोनों खा नहीं सकते, ठीक है, उनको मतलब कुछ खरीदना ही है। दोनों ने अगर एक ही प्राइस में खर्च किया है 5,000 5,000, तो मैं रख लूंगा पूरा जो भी है। ये अभी यहाँ पे वेट करेगी आधे घंटे के लिए, हम दो जाके खरीद के आते हैं। और इनको मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया यार, ये दोनों मतलब मुझे रास्ते में से मिले थे, दोनों मेरे सब्सक्राइबर्स है। कोई प्लान है जीतने के लिए? नहीं 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 है। बंदे को सबसे पहले रेशन की दुकान जाना था, तो हम वहाँ पे चले गए और वहाँ पे उसने कहा कि हर एक आइटम 50 ग्राम देने के लिए। दुकान के हर चीज 50 ग्राम उठा रहा है, पता नहीं कितने चीजें होंगे यहाँ। कितना लगता है, कितना पैसा होगा ये पूरा? 300। अगर बस 300 ही खर्च करोगे और उसने भी मतलब ज्यादा कुछ खर्च नहीं किया, दोनों कम खर्च करोगे तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। मेरे उसे समझाने के बाद मुझे लगता है कि भाई का बत्ती जला है। उसने कहा कि इन लोगों को पैक करने दो, हम दूसरे दुकान होके आते हैं। अब दूसरा दुकान मुझे लगा कि कुछ महंगे चीजें खरीदने के लिए जाएगा, मगर अगला दुकान वो फोटो खींचने चला गया। फिर वो वहाँ पे फोटो खींचने वाले अंकल को कहता है कि मतलब भैया जल्दी करो, मुझे बस 16 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और कुछ नहीं। ओके, हो गया। उसी के साथ हमारा पहला परचेज कंप्लीट होता है। हमने अभी तक कितना खर्च किया है? 250 रुपए। हर बाजू वाले दुकान में घुसे जा रहे हैं, उठा लो जो भी उठाना है। मैंने बोल तो दिया जो भी उठाना है उठाने के लिए, मगर भाई ने डायरेक्ट सबसे महंगे कैशू बोले, वो भी एक नहीं दो नहीं 3 उठा लो करके। भाई 1,200 का कैशू 3 पैकेट ले रहा है। इतने मोटे मोटे कैशू थे, इम्पोर्टेड है ये? भाई से पूछ रहा था कि और कुछ चाहिए कि नहीं। नहीं बस काफी, इतना थोड़ा और ले लो ना, वैसे भी क्या पता उस लड़की ने 10,000 पे पूरा 10,000 ही खर्च कर लिया। बस काफी बस, है बस बस कैशू ले लिया तो मतलब थोड़ा ग्रेप्स वगैरह भी ले लो। तो इस शॉप पे खर्च हुआ हमारा 3,600, मगर 300 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है भाई को, मतलब 3,300 है यहाँ। 16 मिनट हो गया, ठीक है। भाई को समझ में आया कि मतलब कम खर्च करना है या फिर ज्यादा खर्च करना है, ऐसे वो तो खर्च किया ही जा रहा है, कोई करेक्शन नहीं है। भाई ने फोटो खिंचाया, कैशू खरीदा। भाई अभी पेट के शॉप में आया, बता ले यहाँ से क्या खरीद ले। बंदा तमिलनाडु से यहाँ तक कि तमिल वाले शॉप भी ढूंढ के निकाल रहा है। भाई बोल रहा है कि मतलब जितने भी स्प्रे पेंट है ना सब कुछ उठा लो करके। मैंने उसे पूछा ग्रेफिटी का काम करता है, वो बोलता है कि नहीं सीख सकते हैं ना। हाँ सीखो सीखो मेरे पैसे से। इसी के साथ हमने अगला बड़ा परचेज किया 9 स्प्रे पेंट का, यहाँ पे लगाया 1,500 रुपए। मुझे लगता है ये आखिर में उस लड़की के घर पहुंचेगा, वो लड़की वो 16 फोटो पे मतलब पेंट मारेगी बैठ के घर पे। कितना पैसा हो गया मुझे गिनती भूल गया मैं। इसी के साथ हम रेशन की दुकान वापस चले गए क्योंकि अभी तक पैक करके खत्म हो गया। 41 आइटम्स लिया है भाई ने, पूरा पेज भर दिया, बिल्कुल कम टाइम बचा है। मैं बोल रहा हूँ भैया को थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू डाल के पूरा गिनती कर लो, नहीं तो फिर ये सब यहीं रख के जाना पड़ेगा इतना कुछ पैक करने के बाद। अब बस एक ही मिनट बचा होता, इसलिए मैं रेशन की दुकान का भी बिल पे कर दिया। ज्यादा कुछ हुआ नहीं, 595 हुआ, भले हमने 41 आइटम्स खरीदे। मैं तो बस ये सोच रहा था कि यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे होंगी कि नहीं, मगर थे यहाँ पे, वो बढ़िया है। भाई ने जितना खर्च किया हमें पता है, इनको नहीं पता, तो आधा घंटा इनको मिलेगा, देखते हैं कि मतलब ज्यादा खर्च करेंगे या कम। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि खर्च करो, मगर फिर भी आपका इच्छा है। टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है चलो। वो बोल रहे हैं कि चलते हैं अभी करके, मतलब कोई प्लान है नहीं, आधा घंटा चल के घूम के आते हैं। ये भी अच्छा प्लान है अगर उसने कुछ खरीदा है तो, नहीं तो फिर बहुत घटिया प्लान है। मुझे लगा कुछ फ्रूट्स खरीदने के लिए अंदर जा रहे हैं, मगर ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये खरीदेगी। बस बूमर एक ही वो बोल रहे हैं कि आधा घंटा अभी खड़े रहते करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फोर्स करा रहा हूँ कुछ खरीदवाने के लिए। यहाँ से कुछ ले लो तो अच्छी बात। यहाँ से भी वो कुछ खरीद नहीं रही थी, बस एक छोटा सा क्लिप खरीद रही थी, तो मैंने बोला कि पूरा ही सेट उठा लो अच्छा रहेगा। पूरा उठा लो किकर की लेगी तो मतलब आज हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे। बस विंडो शॉपिंग ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, हर चीज देख रही है मगर कुछ ले नहीं रही। मैं कह रहा हूँ अगर उसने 8,000 खर्च किया तो यहाँ 5,000 खर्च कर ही सकते। बस मेहंदी लिया है मैं, काफी फोर्स करा रहा लेने के लिए मगर वो ले ही नहीं रही। मेरे थोड़े और प्रेशर के बाद एक मेहंदी ले लिया और अब मेहंदी और क्लिप को मिला के 230 रुपए में यहाँ। मतलब इतना एक्सपेंसिव आइटम्स को चूज किया जा रहा है यहाँ पे। अब अगला दुकान भी बहुत महंगा था, मैंने कहा कि पूरा ही उठा लो, तो मान नहीं रही थी, बोलती है घर पे जगह नहीं है। घर पे जगह लिए बोल रही है सब कुछ लेने के लिए। यहाँ पे भी इतना बचत करके कोई मतलब हम जीत नहीं पाएंगे ऐसे, मतलब जीत जाएंगे मगर एट व्हाट कॉस्ट। बस 40 रुपए हुआ टोटल है, 71 रुपीज खर्च की। 15 मिनट बचा है, ड्रेस के लिए ज्यादा पैसा लगे वहीं चलते हैं। मैं फोर्स करा रहा हूँ खरीदने के लिए, कुछ खरीद ले रही, 400 तक टच नहीं हुआ अभी तक। अब मैं क्या बोलूँ यार, चश्मा उठाया बस, कपड़ा लेने के लिए आए थे। अब मुझे लग रहा है कि मम्मी से पूछ के फायदा नहीं है, बच्ची को टारगेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जैसे ही उसने कोई कपड़ा छुआ मैंने उठा लिया, वो बोला कि परचेस कर लो। चाहिए होगा ना? नहीं, मर्स की मम्मी भी स्मार्ट है यार, जैसे मैंने कपड़ा उठाया तो चश्मा बना कर दिया। मगर यार मेरा प्लान भी ज्यादा टिका नहीं, थोड़ी देर के बाद बच्ची ने मेरे मुंह भी बना कर दिया और नहीं चाहिए करके। मम्मी ने सिखा के रखा है, बच्ची भी बोल रही है कि बस काफी है करके, बस एक ही कपड़ा लिया है। मैंने उनसे शू लेने के लिए कहा, मगर वो बोल रही है कि यार शू वगैरह लेने के लिए अब टाइम बचा नहीं। मैंने कहा यार बड़ा शू ले लो, छोटी बच्ची बड़ी हो जाएगी उसमें। हाँ ये उठा लो, दो चीजें ले ली, नहीं तो यहीं से भी यहाँ से भी बिना कुछ लिए जाने वाले थे। फाइनली हमने एक बड़ा खर्च किया 1,380 का। मैं गेम प्लान समझ गया, ठीक है, भले उसके पास गेम प्लान नहीं था बोला, मगर गेम प्लान मैं समझ गया।
कुछ भी खर्च मत करो, जो भी उस भाई ने खर्च किया ना पूरा उठा लो, यही खर्च, यही गेम प्लान। चलो ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, अभी कहीं जाना नहीं है, बोल बस टाइम खत्म करना है, उसके बाद चलेंगे उसके पास। मैंने इस पॉइंट पे हार मान ही लिया था क्योंकि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था। वो एक रुपए खर्च करने के लिए आई थी तो मैंने 1500 से ऊपर पहुंचा दिया, और तो जाएगा नहीं। कुछ भी नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, ये चीटिंग है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ बोल के खर्च कराया नहीं, तो बस वो बूमरैंग ना बस चुएंगा भी खर्च करने वाली थी। मैं कहूंगा कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जैड मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब बहुत ही हैवी कॉम्पिटिशन था, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव चीजें ही खरीदा है, सोना होना है ना इसके अंदर, ठीक है ना। भैया को लगता है कि 4000 रुपए खर्च किया है, इनको लगता है कि मतलब 2000 रुपए खर्च किया है। अगर मैं कहूँ कि इसने बस 1 रुपए खर्च किया तो 1 रुपए में इतना सामान नहीं मिलेगा, मुझे पता है, मगर ये तो बस मैंने फोर्स किया है। मैं दिखाता हूँ पहले क्या खरीदा है, बस वही खरीद रही थी और कुछ खरीद भी नहीं रही थी, दिखाता हूँ मैं। अब दिखाने के लिए मेरे पास है नहीं क्योंकि आखिरी दुकान में रख के आ गया मैं। अबे यार मुझे मिल नहीं रहा छोटे वाली चीजें, शायद अफसोस की बात है, जैसे लग रहा है कि मैंने गवा दिया वो महंगी चीज है। मैंने बहुत ज्यादा बोल के देखा, खरीदो वो कपड़ा लो, सोना लो, कुछ भी ले लो, मोबाइल ले लो, बस बूमराह। इसके बाद ये तो मैंने खुद डाला तब जाके लिया। मैंने जैसे ही मैंने उसको बताया कि भाई ने 5800 खर्च किया, वो तो पूरी तरह खुश हो गए। अब चलो स्प्रे पेंट और फोटो वगैरह घर लेके जाएगी वो। आई होप यू गाइस हैव वंडरफुल एंड वंडरफुल लाइफ। टिल देन टेक केयर, पीस।